हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में देख रही हूं क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या देर रात ये पर्सन आपको याद करेंगे भी या नहीं करेंगे, तो किस तरह से और क्या, इन सभी चीजों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको बस ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को जबरदस्ती हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि जो भी रीडिंग है व्यूअर्स, वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। तो फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, और देर रात की इनकी एनर्जीज, इनके थॉट्स, फीलिंग्स आपको लेकर आप ये जानना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या रही कि, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, आई इंटेंशनली इग्नोर यू, आई वंडर इफ यू स्टिल वांट मी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, आई फील सो बैड फॉर माय मिस्टेक। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज के बारे में, बताइए डिवाइन, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं। रिजेक्शन, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, मैन्यूपुलेट, effort, and bottom is hard-hearted. Okay. देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये पर्सन आपको डेफिनेटली यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि जितना आप इन तक पहुँचने की, इन्हें अपनी तरफ पहुँचाने की आप कोशिश कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ, ये जो भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, कोई तो इंटेंशन, कोई तो ऐसा इरादा है जिस रीज़न की वजह से इनके माध्यम से ये चीज़ें करी जा रही हैं। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे कि ये इंसान ना आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये चीजें समझ रहे हो कि इनका समझाना, इट मींस आपको अपनी बातों में लपेटना या मैन्युपुलेटिव वे में आपके सामने अपनी बात को रखना, ये पर्सन ना ये चीजें आपकी तरफ जितना ज्यादा सेंड करना चाह रहे हैं, आपको जितना ज्यादा समझाना चाह रहे हैं, उससे इवन आप कहीं और ही ज्यादा समझ रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको उसे मैन्युपुलेटिव वे में समझाने की कोशिश करना चाह रहे हैं और आप कर नहीं रहे हो। तो ओवरऑल इनके पास आपने जैसे मानो कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा आपको इग्नोर करने के अलग, तो वही एनर्जी में ये पर्सन है। जैसे कि अगर आप इन्हें इनके तरीके से नहीं समझ रहे हो, तो फिर उसके बाद इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय आपको इग्नोर करने के। तो उस एनर्जी में ये पर्सन मुझे इस वक्त में जाते हुए दिख रहे हैं। इवन यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए वो तोहफे, वो ब्लेसिंग्स हो जो शायद हर किसी को मिलता नहीं है। बहुत किस्मत वालों को, नसीब वालों को जैसे कहते हैं ना, प्यार मिलता है, तो आप वही उसी तरह के तोहफे यूनिवर्स की तरफ से दिए गए हो, जिसे इस इंसान ने खुद से रिजेक्ट कर दिया और आज उस मुकाम पर इस रिश्ते को लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें आप भी अब इस इंसान को आपकी साइड से रिजेक्ट करते हुए इन्हें फील हो रहे हो। और इसी रीजन की वजह से अगेन यहाँ पर एक इग्नोरेंस की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा सॉलिड वे में यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। इस इंसान को ना यहाँ पर ये चीजें भी समझ में आ रही है इस वक्त में व्यूअर्स, जिसके लिए इन्हें बहुत बुरा भी लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते में अपनी साइड से बहुत सारी मिस्टेक करी है, बहुत सारी इन्होंने गलतियां करी हैं। हो सकता है यहाँ पर
ये इंसान इस रिश्ते में कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे जितना आप इनसे उम्मीद कर रहे थे, जितना ये रिश्ते की डिमांड थी कि इनकी तरफ से भी अब एफर्ट्स आने चाहिए, उतना ही ज़्यादा इस इंसान ने बजाय एफर्ट्स करने के वहाँ पर उन एफर्ट्स को इग्नोर करा, या वहाँ पर भी अपने दिल को काफ़ी ज़्यादा हार्ड यानी कि सख्त इन्होंने बनाए रखा, और उस चीज़ के लिए भी इस इंसान को इस वक्त में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि जैसे पहले तो ये पर्सन मैन्युपुलेटिव वे में आपके सामने बोलते थे, आप वो चीजें समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि इस इंसान के अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है, और अब ये पर्सन आपको अपनी उस तरह से, जो भी इनके अंदर चेंजेस आए हैं उस तरीके से आपको अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके दिल में आपके मन में इनको लेकर वही छाप छप गई है जिसे आप भी भुला नहीं पा रहे हो, और इसी रीजन की वजह से आप यहाँ पर अपना जो दिल है वो पत्थर का बनाए हुए बैठे हो, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं देखो व्यूअर्स यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट की एनर्जीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में आते हुए दिख रही है। जैसे ये जो रनिंग और चेजिंग, मनाने रूठने का ये जो भी आप लोगों के बीच में फेज चल रहा है ना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के एक स्टेज पर है, तो उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है। हालांकि इस चीज को ये पर्सन यहाँ पर ना समझ नहीं पा रहे, इनका जस्ट इंटेंशन इस वक्त में या इनका जस्ट फोकस इस चीज पर है कि आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हो, और इसी रीजन की वजह से अगर ये आपकी तरफ कोई ऑफर भी लेकर जाते हैं तो आप अपने सख्त दिल के होने की वजह से उस ऑफर तक को नकार दोगे, उसे रिजेक्ट कर दोगे, इनकी कोशिशों को आप वहीं पर ख़त्म कर दोगे जो पहले नहीं करी, लेकिन आप अगर ये करते हैं तब भी यहाँ पर इनकी कोशिशें नाकामयाब होंगी। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, एक्शन लेने से पहले ही ये इंसान अपने हिसाब से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, अपने हिसाब से आउटकम निकाल रहे हैं, और उस आउटकम को सोच सोच कर ये इंसान यहाँ पर आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, बजाय एफर्ट्स डालने के। तो चलिए देख लेते हैं टैरो से व्यूअर्स कि क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में, आखिर क्या गुत्थी है जिसे हमें सॉल्व करना है यहाँ पर टैरो के माध्यम से। राशियां, नंबर्स, मंथ, सभी चीजें मैं यहाँ पर आपके सामने खोलकर रखूंगी, लेकिन उसके लिए आपको अंत तक रीडिंग के लिए बने रहना होगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक रीडिंग नहीं देखेंगे तब तक सारी मिस्ट्री, सारी गुत्थियां आपको खुलते हुए यहाँ पर नजर नहीं आएंगी, ठीक है। कई बार ये होता है ना व्यूअर्स, जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन उसके पीछे का जो सच है वो जानना पड़ता है, तो वही चीजें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है जैसे कि इंसान के अंदर चेंजेस तो आ गए हैं, मैन्युपुलेटिव तो थे ये पहले, लेकिन बदलाव तो आ गए हैं, लेकिन उस बदलाव को ना तो अब आप स्वीकार कर पा रहे, ना आप उस पर भरोसा कर पा रहे हो, और इस इंसान की तरफ से भी यही डर जो है वो डेवलप हो रहा है, तो वो चीजें मुझे ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में बनते हुए दिखी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त में व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि, नंबर फोर यानी कि अप्रैल मंथ। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर काफी ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, यानी कि सो नहीं पा रहे हैं, सब कुछ होते जाते एक सुकून नहीं मिल पा रहा, नींद नहीं आ पा रही। जैसे कहते हैं ना बड़े लोगों के बड़े चोचले, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़े लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन बीमारियां उन्हें घेर लेती है, तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। और बट यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट मुझे इस वे में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस इंसान को नींद इस वक्त में इसीलिए नहीं आ रही है व्यूअर्स, क्योंकि ये इंसान समझ पा रहे हैं आप इनके वो तोहफे थे जो यूनिवर्स ने दिए थे, ठीक है, इनको उस स्वर्ग से वो तोहफा इन्हें मिला था, लेकिन उस तोहफे को इन्होंने ना बोल दिया। जब इनके पास वो तोहफा डिलीवर हो रहा था तो इन्होंने उस तोहफे को रिजेक्ट कर दिया, और अब यूनिवर्स इन्हें वो दूसरा मौका नहीं दे रही, दूसरी बार उस ऑफर को, उस तोहफे को इनकी तरफ भेज नहीं रही, यानी कि आपको। तो एक तो चीज ये इन्हें काफी ज्यादा रेस्टलेस कर रही है कि इन्होंने आपको ना बोलकर
कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपनी जिंदगी में मिस्टेक कर ली है। दूसरी सिचुएशंस चलो ठीक है, इन्होंने तो ना बोल दिया, अब अगर ये खुद से आपकी तरफ बढ़ते हैं अपने ऑफर को लेकर, तो मन में ये डर इन्हें परेशान कर रहा है जो सोने नहीं दे रहा कि अब अगर आपकी तरफ ये ऑफर लेकर जाते हैं तो भाई अब आपका भी मुंह है जो खुल चुका है। पहले जो हमेशा हाँ हाँ बोलता था, अब वो ना बोलना सीख गया है। और अगर अब ये आपकी तरफ अपना एक ऑफर लेकर जाते हैं और आपके मुंह से वो ना इन्हें सुनने को मिल गया, तो अगेन जो बची कुची नींद भी है ना, वो भी उड़ जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगी। तो इन्हें ऐसा लग रहा है इस वक्त में, मानो व्यूअर्स एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं तो नींद नहीं आ रही, खाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो सारा सुकून सारा चैन खोया पड़ा है। दोनों ही तरफ से जैसे इंसान यहाँ पर लुटते पिटते हुए अपने आप को पा रहे हैं, और यही लुटता पिटता इंसान या लुटती पिटती इंसान सो नहीं पा रहा है ना। केवल यहाँ पर बात अब सोने की है व्यूअर्स, यहाँ पर ना बात है सुकून की, बात है सेटिस्फेक्शन की, बात है यहाँ पर हील होने की। सिर्फ एक केवल सोने मात्र की नहीं है यहाँ पे, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वही चीज है, उन बातों को ना शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। तो वो एनर्जी मुझे इस इंसान की यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इस वक्त में व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स हैं और क्या एहसास है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में। प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, ये बंदा या ये बंदी जो भी है आप लोगों के सिचुएशन में, ठीक है, ये इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन ये पर्सन ना आपकी तरफ से आपके मुंह से ना सुनने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। वो एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है। ठीक है, इसी रीजन की वजह से ये पर्सन अपने एटीट्यूड को अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या बनाए रखने के लिए वेट करने के लिए तैयार है या आपको इग्नोर करने के लिए तैयार है, लेकिन चीजें अगर अपने मुताबिक होती है, क्योंकि देखो व्यूअर्स ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि अब यहाँ पर जो भी सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन मांग रही है माफी, वो सिचुएशंस मांग रही है कि ईगो को साइड में रखकर कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा जाए। और ये जो भी आप दोनों के बीच का रिश्ता है, कंबती रिश्ता भी तो ऐसा नहीं है कि इसे इग्नोर भी कर दिया जाए, इससे बाहर भी निकाल लिया जाए अपने आप को। तो ओवरऑल यही सिचुएशंस यही एनर्जी इस इंसान की यहाँ पर है कि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात अब यहाँ पर इन्हें इस वे में दिख रही है कि बात यहाँ पर ना घुटनों पर टिकने की आ गई है। और वो जो घुटनों पर टिकने के लिए वो जो ईगो को पीछे छोड़ना है, वही इस इंसान से नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए ये इंसान आसान सा रास्ता यहाँ पर चुन रहे हैं, वो है आपको इग्नोर करना, वो है आपका इंतजार करना। तो ये चीजें हैं। ठीक है व्यूअर्स, यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में अगर मैं व्यूअर्स बोलूँ ना, तो यहाँ पर ये चीजें हैं कि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, जज्बात भी हैं, और इस कनेक्शन की तरफ एक खिंचाव भी ये पर्सन अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन ना फीलिंग्स वाइज अपने आप से अपने आप के लिए ही ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स से ही ये पर्सन ईमानदारी नहीं निभा रहे। अगर दिल में है ना तो खुलकर बोलो कि भाई आपके दिल में प्यार है, इमोशंस है, ये क्या मतलब पड़ता है कि आप वहां पर कि वो उस फीलिंग्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना उसे बाहर लेकर आ रहे हो। तो वो मुझे एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। ओवरऑल ये पर्सन समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इनकी भूमिका थी, जो इन्हें निभानी थी सही वक्त पे सही समय पे, जो इन्हें भूमिका निभानी थी, इन्होंने उस भूमिका को समझा ही नहीं, और यही रीजन यहाँ पर बन रहा है आपका, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अब इस रिश्ते से मुक्ति चाह रहे हैं। ठीक है, इन्हें ये चीजें इस वक्त में फील हो रही हैं। वही चीज है ना कि जितना आप अपने आप को पढ़ रहे हैं उतना इन्हें समझ में आ रहा है कि आपके इनको रिजेक्ट करने के रीजंस क्या क्या हैं। वो है कि जब ये बंदा या ये बंदी अपने लिए ईमानदार नहीं रह पा रहा या रह पा रही, तो क्या रिश्ते को समझेगा, क्या रिश्ते में अपना रोल प्ले करेगा या करेगी, और इससे बेहतर आपके लिए अब यहाँ पर इस रिश्ते से आजाद होना ही है। और ये भी पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज को अपने आप को समझाने की कन्विंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वही बात आ गई ना घूम फिर कर, ये खुद के लिए ही ईमानदार नहीं है इंसान, तो ये
अल्टीमेटली बस इग्नोरेंस का सहारा ले रहे हैं, आसान सा रास्ता इन्होंने अपना रखा है, ठीक है, आपको इग्नोर करने का। ये चीजें हैं, खुद ब खुद चीजें हो जाएं तो मजा ही कुछ और है। उन लोगों में ये पर्सन अपनी गिनती करवा बैठे हैं। राइट कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में और कैसा महसूस करना है, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पे कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ, नंबर 12 यानी कि दिसंबर मंथ, नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ, ये सभी मुझे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं ये पर्सन इस वक्त में, एज एन इस वे में कि अब आप इनसे चाहते क्या हो, अब आप इन्हें चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप इन्हें दूसरा मौका देना चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप इन्होंने जो भी मैन्युपुलेटिव बिहेवियर इस रिश्ते में अपना रखा, क्या आप अब उसे भुलाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो ये इंसान इस वक्त में ना व्यूअर्स काफी सारे सवालों के बीच में अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हैं। वही सवाल यहाँ पर इस इंसान के चारों तरफ है जिन्हें लेकर ये कंफ्यूज है, जो कभी एक वक्त पे इन्होंने ना आपके सामने रखे इन अ मैन्युपुलेटिव वे में, जैसे कि होता है ना तोड़ मरोड़ कर बात को कहना, वो पुरानी परंपराएं जैसे लड़के वाले कहते हैं ना, सॉरी टू से मैं सभी लड़कों वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैं एक एग्जांपल आपको देना चाह रही हूँ। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको अगर अपनी लड़की को गाड़ी देनी है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वही मैन्युपुलेटिव वे में इस इंसान ने डेफिनेटली आपके सामने कुछ तो ऐसी बात कही जिसके जाल में ये इंसान खुद इस वक्त में अपने आप को कंफ्यूज होते हुए फंसते हुए देख रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। इन्हें इस वक्त भी व्यूअर्स इस चीज का भी भ्रम जो है वो अपने कब्जे में लिए हुए है कि आपके पास शायद बहुत सारे ऑप्शन सब हैं, आपके पास लास्ट ऑप्शन भी बचेगा ना तो भी आप इन्हें नहीं चुनोगे। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें ज्यादा खाई जा रही है जो इनके मन के सुकून को इनसे छीन रही है, और कहीं ना कहीं अब इस इंसान को डाउट हो रहा है अपनी ही हुनर पर, अपनी ही कैपेबिलिटीज पर, या अपने आप पर भी अब इस इंसान को डाउट हो रहा है, जिसे कभी एक वक्त पे अपने आप पर प्राउड फील हुआ करता था। तो ऐसी एनर्जी में ये इंसान अपने आप को इस वक्त में देख रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में और कैसा महसूस करना है, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीज ओ होली एंजल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 12 नंबर डेफिनेटली काफी लोगों के लिए मुझे इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है इस वक्त में व्यूअर्स, या इनकी कैलकुलेशंस, इनकी ओवर थिंक, इनका ओवर एनालाइज करना, ये सभी चीजें ने ये चीजें तो समझा रहा है कि ओवरऑल आपकी साइड से डन हो गया है, ठीक है। ये चीजें इन्हें ज्यादा खाई जा रही है एक्चुअली में। ऐसा देख पा रही हूँ इस इंसान को ना इस वक्त में एक्चुअली में जो इनकी साइड से इस रिश्ते में अपनी ड्यूटी निभानी थी, अपने कर्तव्य निभाने थे, जो एफर्ट्स करने थे, वो इन्हें इस वक्त में रह रहकर याद आ रहे हैं, या वो रह रहकर इनके सर पर हावी होते जा रहे हैं, और इन्हें ये लग रहा है कि यही रीजन बन रहा है आपका ना अब इन्हें ना समझने के पीछे का, या आपकी साइड से डन होने के पीछे का। यानी कि इस इंसान को ये चीजें फील हो रही है व्यूअर्स कि अब आप ना सिर्फ इस इंसान के एफर्ट से ही इन्हें मिल नहीं जाओगे, ठीक है। अगर ये एफर्ट्स डालते हैं तो सिर्फ वही यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, अब इन्हें इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, इस रिलेशनशिप में जो भी चीजें कॉम्प्लिकेट हुई भी हैं, जो भी उलझनें आई हुई हैं, उन्हें भी इन्हें रिजॉल्व करना होगा, उनको लेकर भी इस इंसान को अवेयर होना होगा। यानी कि बहुत काम बाकी रह गया है, या बहुत काम करना होगा इस रिश्ते में। ऐसी चीजें भी इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि यही रीजन बन रहा है आपका इनको ना समझने के पीछे का, या यही रीजन बन रहा है कि आप इन्हें इसीलिए नहीं अब समझना चाहते हो, और इसीलिए आप यहाँ पर ना बहुत ज्यादा सख्त दिल के बने हुए हो, या पत्थर दिल के आप बन चुके हो। जो चीजें इन्हें अपने मिस्टेक्स की जितनी ज्यादा याद दिला रही है, उतना ज्यादा इस इंसान को बुरा भी फील हो रहा है।
गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर अब इस वक्त में और कैसा महसूस करना है, गाइड कीजिए डिवाइन। सेवन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, इन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें ज्यादा फील हो रही है कि इस वक्त में ना आप एकदम डिफेंसिव मोड में आ चुके हो, यानी कि आप उस स्टेज पर अपने आप को पहुंचा चुके हो जहां पर आपने अब किसी को राइट नहीं दे रखा, ना आप देना चाहते हो किसी को भी कोई परमिशन की जो वो आपके दिल तक पहुंचे और आपके दिल को तोड़े, और यही रीजन बन रहा है अब आप तक पहुंचना या आप तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सफर इतना आसान नहीं रहा, ये चीजें इस इंसान को सोने नहीं दे रही, ठीक है। यानी कि आप अपनी अपनी साइड से तो आओगे नहीं क्योंकि इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, और अपनी साइड से जाते इन्हें कोई सिचुएशंस ऐसे अलाउ नहीं कर रही है, तो ये पर्सन ऐसा इस वक्त में फील कर रहे हैं। देखते हैं इस एनर्जी के साथ आपसे कहना और क्या चाह रहे हैं, जस्ट टू मैसेजेस देखते हैं इनके, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी एहसास के साथ व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, गाइड कीजिए बताइए प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। I will always stick with you. तो अब ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि ये अब आपसे ही चिपके रहना चाहते हैं, आप ही के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। I am lucky, I am in love with my best friend. हो सकता है आपका ये जो रिश्ता, ये जो कनेक्शन है, ये दोस्ती से शुरू हुआ हो, फिर आप बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हो और फिर ये रिश्ता आपका एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ने लगा हो, लेकिन इस इंसान ने अल्टीमेटली ना सब कुछ यहाँ पर तबाह कर दिया, तो वो चीजें आपसे खुद से कहना चाह रहे हैं कि ये लकी ही तो थे कि आप मिले, लेकिन इस इंसान ने अपने लक को कैसे बैड लक में कन्वर्ट कर दिया, इस चीज का एहसास इस इंसान को सोने नहीं दे रहा, इस चीज को ही ये पर्सन ओवरथिंक करे जा रहे हैं। एक्शंस और देख लेते हैं, इस इंसान की तरफ से आपके पास कोई एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज बन रही है या नहीं, यानी कि परेशान तो है खुद से आपकी तरफ पहुंचने के लिए, लेकिन क्या पहुंचेंगे या नहीं ये देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन खुद से व्यूअर्स की तरफ कोई मूव लेंगे, कोई एक्शंस लेंगे या नहीं, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ वैंड्स, देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज तो दिख रही है कि भाई ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े, लेकिन कोई सॉलिड ऑफर नहीं आएगा, ये चीजें जरूर से कहूंगी, पेज की एनर्जी में इनका ऑफर आएगा, और हो सकता है यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज कि इनके ऑफर के साथ साथ आपके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस भी आए, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आए, यानी कि ब्लेम्स जो अभी इस वक्त में अपने ऊपर चढ़ते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं वो ब्लेम्स का पिटारा आपके ऊपर फोड़ने की कोशिश इनके थ्रू करी जाए, ठीक है। 10 से 11 दिन की मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों के केस में, लेकिन एक ऐसा सॉलिड ऑफर नहीं है जिसके बेस पर आप ये कह सको कि हाँ हम लोग फिर से रीयूनाइट हो गए या फिर से हम लोगों के बीच में सब सही हो गया, तो ऐसा मुझे सॉलिड ऑफर नहीं दिख रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग जो आप मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से, अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली है व्यूअर्स, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी नई मैं वीडियो लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूं मैं नेक्स्ट रीडिंग में, ओके बाय बाय।